हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरुषन उथरिया। आज हम टेंसेस के बारे में सीखेंगे, क्योंकि मोस्टली लोगों का इशू रहता है टेंसेस का, सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। बहुत इजी वे से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। एडवांस अपन नहीं करेंगे इस वीडियो में, एकदम बेसिक से करेंगे और सारी जो बेसिक क्वेरीज हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो पहली बात, हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, टेंसेस स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। ये सिचुएशन बेस्ड है, ठीक है। सिचुएशन बेस्ड का मतलब अभी क्या चल रहा है, अपना प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। उससे पहले क्या था, पास्ट था, और उस आगे क्या आएगा, आज जो है उससे आगे क्या आएगा, उससे आगे आगे फ्यूचर। उससे पहले क्या था, पास्ट था, ओके। तो सबसे पहले, जैसे कि सिनेरियो है, सबसे पहले अपन प्रेजेंट टेंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस तो ये जो होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, थर्ड हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फोर्थ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये चार हो गए। ये है प्रेजेंट वाले। अगर अभी हम पास्ट की बात करें, तो पास्ट के केस में क्या होता है, ये रहेगा प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाएगा, बाकी के सारे सेम रहेंगे, ओके। तो अपन देखते हैं, इधर ये देख नहीं रहा, इधर से करते हैं। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस, ये पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ये सेम है, मतलब इस तरीके से समझ सकती हूँ कि ये जो है वो तीन भाई हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। इन तीनों के चार बेटे हैं। इंडेफिनिट हो गया एक, कॉन्टीन्यूस हो गया एक, परफेक्ट हो गया एक, परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। पास्ट के भी सेम है, चार बेटे हैं, नाम सेम है, बस आगे पास्ट लग जाएगा, बाकी का इंडेफिनिट वगैरह ये सेम है। फ्यूचर के केस में अगर अपन बात करें, तो फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो गया, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो क्या समझ आया, चारों के जो है नेम सेम है, लेकिन आगे जो है उनके पिताजी का नाम जुड़ रहा है। जैसे अगर कोई प्रेजेंट है, तो आगे पिताजी का नाम जुड़ गया प्रेजेंट, अब वो उसके बाद हो गया इंडेफिनिट। ये जो है पास्ट है, तो आगे इसके पिताजी का नाम जुड़ गया पास्ट, और उसके बाद हो गया इंडेफिनिट, ओके। अगर ये फ्यूचर की बात की जाए, तो ये पिताजी का नाम जुड़ गया फ्यूचर, और ये हो गया इंडेफिनिट, ठीक है। बाकी का और भी सेम है, कॉन्टिन्यूस हो गया, ये कॉन्टिन्यूस तीनों में सेम है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट तीनों में सेम है, ठीक है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों में सेम है, बस आगे इनके पिताजी का नाम जुड़ रहा है, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ आई, बहुत सिंपल है। टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ये आगे चार भागों में डिवाइडेड होते हैं। चार भाग जो है वो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार भाग होते हैं। अलग अलग सेंटेंस के लिए आगे इनका नाम जुड़ जाता है। जैसे पास्ट है तो पास्ट जुड़ जाएगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट जुड़ जाएगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर जुड़ जाएगा, ओके। ये सब हो गया। अभी अपन इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एक ही होती है, वो होती है बस डिड, पास्ट इंडेफिनिट की, ओके। पास्ट इंडेफिनिट की एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है डिड। पास्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है वॉज और वर, ओके। ये आपको याद रखना, बहुत सिंपल है, ज्यादा वो नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट की एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो होगी डिड। पास्ट कंटिन्यूस की दो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर के लिए और प्लुरल के लिए, तो वॉज हो गई और वर हो गई, ठीक है। परफेक्ट की अगेन एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड, ठीक है, सिंगुलर और प्लुरल, वो एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो लगेगी हैड, ओके। परफेक्ट कंटिन्यूस, बस कुछ नहीं, परफेक्ट में बीन लग जाएगा तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा, हैड बीन, ओके। तो ये दोनों आपको, ये तीन याद करना है, डिड करना है, वॉज वर करना है, हैड करना है। कंटिन्यूस में हैड बीन हो जाएगा, जो भी इसका होगा। जैसे कि अगर आगे देखते हैं अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इसका हो गया डू और डज, ठीक है। अगर सिंगुलर फॉर्म है तो डज लगेगा,
प्लूरल फॉर्म है तो डू लगेगा, एस आई एस जो सिंगुलर ये हो गया, ठीक है, एस आई एस लग रहा है तो सिंगुलर के लिए डज हो गया, प्लूरल के लिए डू हो गया। कंटिन्यूअस की बात की जाए तो इज एम आर, ठीक है, जितने भी होते हैं नॉर्मल उसके लिए इज लगेगा, एम आई के साथ, ठीक है, आर प्लूरल के लिए आर, ओके। अभी आई एम इसमें ओनली सिर्फ आई के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं, ये जो है वो दिस वगैरह है पर सिंगुलर समझ लो, ठीक है, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, लेकिन ये स्पेशल केस है, सिर्फ आई के साथ एम लगेगा, तो दो हो गई और एक स्पेशल हो गया एम, ओके। परफेक्ट के लिए क्या होगा, परफेक्ट के लिए होगा हैज और हैव, तो परफेक्ट के लिए क्या हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव। इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई हैट, ठीक है, थर्ड फॉर्म ये हो गई हैड, तो उसके क्या है कि ये पास्ट में चला गया फिर, ओके। ये भी इसी के साथ सेम केस है, ये डू और ये डिड, ठीक है, ये इसकी फॉर्म चेंज हो गई, फॉर्म चेंज होने के बाद डू का डिड हो गया। अगेन देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ नहीं, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है, जैसा अपन ने पहले बताया कि परफेक्ट की तरह ही इसकी वो होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की सिर्फ बीन जुड़ जाता है, ओके, ये बीन जुड़ गया। फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर की अपन अगेन देखते हैं, फ्यूचर में सबसे पहले आएगा सेल इंडेफिनिट में और बिल, ठीक है, ये हो गया सेल और बिल, इसका बहुत ज़्यादा आसान है, एलपीएमआर भी याद करना, ये सेल बिल हो गया। उसके बाद क्या होगा भाई, थोड़ा सा अपन ऐसे खिसकाते हैं, ओके, क्लियरली विजिबल है, कोई इश्यू नहीं है। सेल विल हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया, ठीक है, इंडेफिनिट का। कंटिन्यूस की बात की जाए तो बस इसमें बी जुड़ जाएगा, सेल बी और बिल बी, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट की बात की जाए तो कुछ नहीं, सेल में क्या हैव जुड़ जाएगा, सेल हैव, सॉरी सेल हैव और ये बिल हैव, ये जुड़ गया बस और कुछ नहीं। तो आपको सेल बिल याद रखना है इसमें मेनली, और बाकी के काम जो है आपके होते चले जाएंगे, ठीक है, इजीली होते चले जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। और ये क्या अगेन इसमें, ये हो गया सेल हैव बीन और ये हो गया बिल हैव बीन, ठीक है। तो परफेक्ट में बीन लग गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया, सेल हैव बिल हैव ये परफेक्ट का है। तो आपको मेनली क्या है, एक याद करना है, सेल और बिल, अगर इसे कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है तो बी लगा दो, सेल बी बिल बी, इसे परफेक्ट में कन्वर्ट करना है तो सेल है बिल है लगा दो, परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है तो सेल है बीन बिल है बीन, बीन लगाने पर ये हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। अपन एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है, बर्बली देख लेते हैं एक बार कि आपने हमने कहाँ कहाँ तक किया। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, इसकी हेल्पिंग वर्ब ओनली क्या है, डिड। पास्ट कंटिन्यूस की दो हैं, वॉज वर्ब, सेकेंड फॉर्म से याद रखो, ठीक है, था थी थे, वॉज हमेशा था थी थे, आपने कहानी भी सुनी होगी, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लॉन लाइन, ओके। तो एक एक बार की बात है कि एक बार एक शेर था, ठीक है, तो ये वॉज वर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए तो एक ही है इसमें अगेन हैड, सॉरी पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की बात की जाए तो इसमें अगेन एक ही है हैड। प्रेजेंट इंडेफिनिट वो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हैज और हैव, ओके। अगर रिलेट करके देखते हैं अपन तो डिड पास्ट में, प्रेजेंट में डू डस, पास्ट में वॉज वर, प्रेजेंट में इज और आर, एम स्पेशल केस आई के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव, पास्ट परफेक्ट क्या है ओनली हैड, और इसमें तो कोई इश्यू है नहीं, बीन लगा दो बस, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। इसमें ओनली आपको एक चीज याद रखनी है, सेल और बिल, उसके बेसिस पे आपके सारे बन जाएंगे। सेल बिल इंडेफिनिट का हो गया, अगर इसे कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है तो सेल बी और बिल बी कर दो, इसे परफेक्ट में करना है तो सेल है बिल हैव कर दो, परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है तो क्या करना है, सेल है बीन बिल है बीन, ओके, यहाँ तक कंप्लीट। अभी अपन सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है, कि सेंटेंस जो है कैसे कैसे बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया।
अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये इनका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है ये, ठीक है, नेगेटिव। और ये जो है सिंपल का, सिंपल टेंस जो होते हैं जो विदाउट नेगेटिव, ठीक है। अभी अपन इंटरोगेटिव की बात की जाए, जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं उनमें क्या होता है, हैव प्लस सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है लास्ट में। तो ये जो होता है वो क्वेश्चन वाले हैं इंटरोगेटिव, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स वाले। ये नेगेटिव वाले हो गए और ये सिंपल हो गए, ठीक है, ये इनका सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया।